वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर सब्जेक्ट। जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो डिफरेंट एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा ये वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं बहुत सारे उसमें वीडियो डालने वाला हूँ रिलेटेड टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सो यू विल नोटिफाई वेरी फर्स्ट, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन। तो एग्जैक्टली इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो आपको वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, और इंट्रोड्यूस और एग्जांपल देके भी आपको समझाऊंगा, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो पहला है हमारा एसेट मैनेजमेंट, उसमें है ट्रेड प्रोसेसिंग एंड सेटलमेंट, मीन्स जो अभी स्टॉक मार्केट में यूज़ हो रहा है ट्रेडिंग, राइट। तो एक जगह से आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो और उसका जो भी पेमेंट है वो सेटल करते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग पूरे दिन का जो भी शाम को 4 बजे के बाद टर्मिनल बंद होता है तो वहाँ पे लॉग जनरेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग सेटलमेंट करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप इजीली जो ब्लैक चेन है उसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, और वेरी क्विक मैनर, आपको रुकना नहीं पड़ता है कि कौन किसने कब किया था, और वेरीफाई भी करना नहीं पड़ता क्योंकि उसकी मल्टीपल रिकॉर्ड जनरेट होते हैं। सेकंड है इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग, मीन्स अपने जो भी कोई कंपनी है, चलो दिल्ली की कंपनी है और आप यहाँ MP में हो, वहाँ से आपको क्लेम करना है तो आप इजीली वहाँ से क्लेम भी कर सकते हो, मीन्स ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो तो वो बंदा कहीं पे भी हो तो इजीली वो वेरीफाई करके आपका प्रोसेस कंप्लीट करता है। फिर है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर मीन्स क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स आप बोल रहे हो कि RTGS है, NEFT है, मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप वहाँ ट्रांसफ़र करते हो तो आपको चार्जेस बहुत लगते हैं, तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बहुत कम कॉस्ट प्रोवाइड करता है, मीन्स नॉमिनल चार्ज लेता है वो ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर है अनकन्वेंशनल मनी लीडर्स और हार्ड मनी लेंडिंग, मीन्स जो भी यहाँ पे आप अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लेंडर है जो हवाला बोलते हैं हम उसको, पैसे एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ पे रिकॉर्ड जनरेट कर दो तो इजीली भी ट्रांसफ़र हो सकता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है योर कार एंड स्मार्टफोन, तो उसका मतलब क्या है कि जो भी कार है हमारा और स्मार्टफोन है, अगर कार है आप ऑथोराइज ओनर होगे तो ही ओपन होगी, मीन्स आप वहाँ पे की पे पिन नंबर डाल सकते हो तो भी होगी, और स्मार्टफोन है उसमें आप अपना पिन नंबर डालोगे जो ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड होगा तो इजीली वो आप एक्सेस कर सकेगा, मीन्स अनऑथोराइज पर्सन कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एप्लीकेशन भी है, क्योंकि अभी IoT का मार्केट बहुत चल रहा है, बहुत सारी सिटी मूविंग हो रही है IoT के तरफ, तो IoT में कि ब्लॉकचेन कैसे यूज होता है, तो ये पूरा नेटवर्क कनेक्ट कर देता है। सपोज आप ऑफिस में हो और आपका होम है, अगर आप ऑथोराइज करते हो किसी को तो ही अंदर एंटर हो पाएगा, या कोई आपका फैमिली मेंबर है अगर वो पासवर्ड भूल गया और अगर आपको पता है तो आप इजीली उसको एक्सेस करने दोगे, तो ये है IoT ब्लॉकचेन। नेक्स्ट है स्मार्ट अप्लायंस, मीन्स स्मार्ट अप्लायंस में क्या है, आप कोई पासवर्ड या सिक्योरिटी डाल देते हो जो आपके घर में है तो आपकी अलावा कोई दूसरा भी यूज़ नहीं कर सकता। सेकंड है सप्लाई चेन सेंसर, सप्लाई चेन सेंसर में क्या होता है कि आप कोई भी प्रोसेस करते हो, ट्रांजेक्शन या कुछ भी है अलग दूसरी प्रोसेस, तो वहाँ पर सेंसर के थ्रू वहाँ पर जनरेट होता है कि नहीं ये स्टेज कंप्लीट हुआ है, राइट। मीन सपोज कोई अप्लायंस में यूज़ करते हो, आपको कुछ बनाना है कि इतनी हीट पे माइक्रोवन में हमने देखा होगा, तो वो भी हम कनेक्ट करते हैं, तो इजीली आप ऑफिस से निकलते हो तो वहाँ से इजीली वो आपका आपके लिए फूड भी रेडी हो सकता है। सेकंड है हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर में आपने सुना होगा कि अभी बहुत सारे हॉस्पिटल और ऑनलाइन हो रहे हैं कि आप वहाँ से अपने जो भी रिपोर्ट है वो अपलोड कर दो तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जो ब्लॉकचेन म्यूजिक है वही सिंपल, जो आप एक जगह से आपने डाउनलोड किया है आपके कंप्यूटर में और आप दूसरी जगह जाते हो तो आप इजीली उसको भी एक्सेस कर सकते हो। अभी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो गवर्नमेंट एडॉप्ट कर रही है ब्लॉकचेन, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये जो अभी ई ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी हुई या कोई घोटाला हुआ तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है,
So that is why they are accepting blockchain technology. Then the public value and community. ये public value और community क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये public oriented है. आप कहीं से भी कैसे भी उसको access कर सकते हो without modification of any kind of information. फिर है blockchain identity. तो उसमें आपको identity चाहिए कि आपकी ये identity है. So you can easily access this technology. Then passport भी easily आप कर सकते हो, birth date, wedding and death certificate, personal identification, ये सारी चीजें आप upload कर सकते हो और वहाँ से easily access भी कर सकते हो. तो ये जो सारी important application थी जो blockchain की, वो मैंने आपको बताई. अगर मेरा ये video पसंद आया हो तो please like और subscribe कर दीजिएगा और share करना मत भूलिएगा. Thank you for watching my YouTube channel Learn Computer Subject.